इसमें मतलब मूर्ति भी रहेगा वैष्णो देवी का? हाँ, वैष्णो देवी का मूर्ति रहेगा, भैरव का बाबा का रहेगा, उसमें जितना भी जो दर्शन करने जाते हैं आप वैष्णो देवी में, सेम सारा कुछ वैसा ही दर्शन का सिस्टम। कितना देर तक रह सकता है आदमी हो जाएगा तो उसमें? कोई लिमिट नहीं है। आप नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य श्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी सोनपुर मेला जो कि 25 या 26 तारीख को लगने जा रही है, और इस बार सोनपुर मेला में आपको पहले आपको एक वीडियो में दिखाए हैं कि सोनपुर मेला में एक नया झूला लगने गया है जो कि स्क्रीन टावर के नाम से जाना जाता है, और इस बार आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस बार फिर से सोनपुर मेला में एक और नया चीज आया है जो कि यहाँ वैष्णो देवी का गुफा बनने वाला है जो कि चार धाम यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो लोग बना रहे हैं इनका ऑनर है, तो भैया स्वागत है सबको चैनल पर। नमस्कार नमस्कार। ये क्या चीज बन रहा है यहाँ? वैष्णो देवी का बन रहा है, चार धाम यात्रा के हिसाब से ये पूरा सिस्टम अपडेट होके बनेगा। ये सोनपुर मेला में पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ, पहली बार है। मतलब आपको ये कैसे मतलब दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह का लाना चाहिए? हम लोग के पास ये आइडिया है कि हम लोग घर पे थे तो दिखता था कि बराबर बच्चे लोग या फिर बूढ़े लोग हैं, दिन भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, तो धर्म के प्रति थोड़ा प्रचार लोगों में घट गया। तो हम चाह रहे हैं कि उसके हिसाब से रहे कि लोग आए एक बार मोबाइल टीवी को छोड़कर कुछ नया देखे, और यहाँ वैष्णो देवी का रहेगा तो पहाड़ वगैरह लगेगा तो बच्चा लोग को घूमना भी आसान होगा और धर्म का थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं। पहाड़ जैसा बनाइएगा? हाँ, पहाड़ लगभग 85-90 फीट हाइट रहेगा इसका, उसके हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। जैसा आप जम्मू में देखते हैं ना, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, सेम वही पैटर्न पे उसी को छोटे रूप करके बनाया गया। अच्छा, जम्मू में जो वैष्णो देवी का बना हुआ है उसी प्रकार का, उसी टाइप में बनाया गया है। तो एक बार में मतलब ये लोग कितना जा पाएगा? जितना लोग होगा वो टिकट रहेगा, उसे 400-500 लोग एक बार आराम से दर्शन कर सकते हैं। 400-500? हाँ, एक बार में उतना उस पर एंट्री जा सकता है? हाँ, जा सकते हैं, 400-500 आदमी जा सकते हैं। 500 बांस का बना हुआ है और उसमें लोहा फ्रेमिंग है, सारा लोहा का पाइप अंदर से लगा हुआ है, सपोर्ट वगैरह सब कुछ अपडेट करके लगाया गया है। इसमें मतलब मूर्ति भी रहेगा वैष्णो देवी का? हाँ, वैष्णो देवी का मूर्ति रहेगा, भैरव का बाबा का रहेगा, उसमें जितना भी जो दर्शन करने जाते हैं आप वैष्णो देवी में, सेम सारा कुछ वैसा ही दर्शन का सिस्टम यहाँ भी रहेगा। मतलब दिखने से लग रहा है पूरा हाल बांस पर बांस लगा हुआ है, तो कैसे एंट्री लेगा मतलब? इसमें सारा स्टेप बाई, जैसे पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं ना स्लोप बेस, वैसे स्लोप बाइज यहाँ भी बना रहेगा, और लगभग समझिए कि आपको 1 किलोमीटर का पूरा इसमें मूव है। इतना दूर में मतलब 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा ऊपर। अच्छा, बच्चा लोग चाहे बुजुर्ग लोग जाएगा तो उसमें 1 किलोमीटर कहेगा छोटा सा आगे से दिख रहा है? सर, आराम से जाना है ना, दर्शन करने का मतलब ही होता है कि आराम से जाना है, कोई भीड़ भाड़ होगा नहीं, उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भीड़ नहीं हो, पब्लिक को कंट्रोल करके ऊपर भेजा जाएगा। अच्छा, उसमें रास्ता एक ही रहेगा जाने वाला कि रास्ता इधर उधर भटकना नहीं, पड़ेगा उसमें? रास्ता एक ही है, बस उसमें जिगजैग करके आप ऊपर तक पहुंचेगा, फिर वापसी का भी एक ही रास्ता, मतलब एक तरफ से लोग चढ़ेंगे और वापसी एक रास्ते से। ऐसा नहीं कि भूल भुलैया की तरह मतलब? नहीं, वैसा भूल भुलैया नहीं है, जैसा पहाड़ पे लोग जाते हैं तो भूल भुलैया नहीं होता, इसमें भूल भुलैया नहीं है। अच्छा, वैसे ही रहेगा? जी जी। कब तक तैयारी हो जाएगा ये? सर 23-24 तक लगभग 80-90% काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों तक रहेगा? 1 महीना सर, जितना एक महीना मेला जब है। तक मेला रहेगा तब तक? जी जी। अच्छा, ये मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है यहाँ सोनपुर मेला में, मतलब आपको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम है अजूबा डिज्नीलैंड। अच्छा, इस ग्राउंड में हम लोग फुल पैकेज दे रहे हैं, यहाँ पे अजीबो गरीब झूला लगा रहे हैं जो कि इस बार सोनपुर मेले में अभी तक इस प्रकार का झूला नहीं आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में अंडर वाटर एक्वेरियम है, इधर झूले हैं, इधर भी झूले हैं, इधर अपना चार धाम यात्रा हो गया। ये चार धाम यात्रा लगभग 100 फुट जाएगा हाइट, ऊपर में अमरनाथ गुफा भी बनेगा, मतलब कि एक पैकेज होता है जो आगे में आपका स्टॉल वगैरह भी रहेगा, मतलब इस ग्राउंड में एक फैमिली के लिए फुल पैकेज है। जो पैकेज चाहिए एक फैमिली को वो पूरा पैकेज है। बगल में पार्किंग का भी अवेलेबल है, न्यू कार पार्किंग के नाम से है, बगल में आदमी आराम से गाड़ी पार्क करके इस ग्राउंड में आए। अजूबा डिज्नीलैंड जो कि स्टेट बैंक के ठीक सामने है, यहाँ से स्टेशन की दूरी 0.5 किलोमीटर है, 500 मीटर है। यहाँ पे जितने भी आएंगे उनको आने में भी कहीं कोई तरह का कठिनाई नहीं होगा, सीधे आना है, सीधा साधारण रास्ता है, और यहाँ से सीधे मेला का एंट्री गेट है जो हरिहरनाथ द्वार के नाम से जाना जाता है। कौन से बाजार बोला जाता है? ई हो गया गाय बाजार, जो आज से 15 साल पहले था, अब इसको अपडेट करके इधर हम लोग झूला डिज्नीलैंड बना दिए हैं, जो कि इस डिज्नीलैंड का नाम है अजूबा डिज्नीलैंड। अच्छा, अजूबा डिज्नीलैंड जी। अच्छा, मतलब ये लग रहा है 23-24 तारीख से शुरू हो जाएगा? जी, 25 नवंबर से मेला का ओपनिंग है। अच्छा। 25 नवंबर से हमारी सारे झूले,
माता वैष्णो देवी गुफा, चार धाम यात्रा, अंडर वाटर एक्वेरियम, मतलब कि हर एक चीज 25 तारीख से आपको ओपन मिलेगा। अच्छा। जितने भी दर्शक गण आएंगे उन सभी को घूमने के लिए 25 तारीख से ये ग्राउंड पूरी तरह से खुला हुआ है, वेलकम है। जिनको आना है 25 तारीख से 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक ये ग्राउंड 24 आवर्स खुला रहता है। अच्छा, इस पर मतलब एंट्री लगी चार्ज भी है? हाँ, इसका एंट्री फी है ₹100। ₹100 जी। अच्छा, ₹100। बच्चा क्या, छोटा बच्चा होगा तो? 5 साल से छोटे बच्चे का एंट्री चार्ज मुफ्त है, फ्री है। अच्छा, 5 साल के ऊपर जो रहेगा उसका सबका ₹100 जी। अच्छा, मतलब कितना देर तक रह सकता है आदमी हो जाएगा तो उसमें? कोई लिमिट नहीं है, आप दर्शन करने जाइए, घूमिए, आधे घंटे रहिए, 1 घंटे में दर्शन कीजिए, 2 घंटे में दर्शन कीजिए, भला भगवान से दर्शन करने में किस प्रकार का रोक, एकदम नो लिमिट, जितना टाइम लेना है ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, पहले आते थे आप सोनपुर मेला में तो हरिहरनाथ मंदिर जाकर दर्शन करते थे, लेकिन इस बार आपको ये वैष्णो देवी का जो कि चार धाम यहाँ बनने जा रहा है इनका भी दर्शन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही आपको सोनपुर मेला का अपडेट हम देते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।